गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट अल्कोहल फिनॉल ईथर इपोक्साइड चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। आपके पास में अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को OH समूह की संख्या के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, उसके हमने तीन पार्ट देखे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में फिर आपके पास में हमने पढ़ा था उसका नोमेनक्लेचर, क्योंकि पास में अल्कोहल का जो RPSC नोमेनक्लेचर है वो देखा था। आज आपके पास में है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसको बनाने की विधि, और पहली विधि आपके पास में है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो हैलोजन के प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन से अल्कोहल का निर्माण होता है यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम जलीय KOH के साथ में कर दें, जलीय KOH की प्रेजेंस में की जाती है तो आपके पास में ROH और HX, ठीक है। ये आपके पास में एल्किल हैलाइड और आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। या के पास में है अल्कोहल और या के पास में हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो के पास में हैलोजन के प्रतिस्थापन से अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे आपके पास में इसमें रिएक्शन लें हम CH3 CH2 CN क्लोरोएथेन इसकी अभिक्रिया हम KOH के साथ में कर दें और जलीय KOH के प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया करेंगे तो आपके पास में यहाँ से आपके पास में KCl पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलने से आपके पास में एथेनॉल का OH प्लस यहाँ पे KX करना है, पोटेशियम हैलाइड यहाँ के पास में एथेनॉल का निर्माण होता है ठीक है। क्लोरोएथेन की अभिक्रिया हम KOH के साथ में करते हैं तो आपके पास में CH3CH2OH और पास में यानी आपके पास में एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री अल्कोहल का। अगर आपके पास में अभिक्रिया ऐसी होती CH3 CHCl CH3 और KOH
और आपके पास में जलीय केओएस लेते हैं तो यहाँ आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कह दो, 2 डिग्री अल्कोहल, या आपके पास में प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol या 2-propanol भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ में की जाती है तो हैलोजन के प्रतिस्थापन से अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। इसको नोट करो, हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया आपके पास में है कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में आपके पास में एल्डिहाइड कीटोन आता है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो अपचयन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में किया जाता है तो आपके पास में अल्कोहल का निर्माण होता है। और आपके पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से आपके पास में अपचयन से आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के अपचयन से हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, यौगिकों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में किया जाता है, किया जाता है तो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में किया जाता है तो आपके पास में अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। और आपके पास में एल्डिहाइड से या एल्डिहाइड का अपचयन करने पर, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर, अपचयन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन का अपचयन करने पर, कीटोन का अपचयन करने पर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अब आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया, सबसे पहले एसीटाल्डिहाइड ले, ठीक है, इसका अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका अपचयन किया जाता है तो आपके पास में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बनता है, ठीक है। यदि आपके पास में इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें, CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटाल्डिहाइड से कर दें, एसीटाल्डिहाइड का अपचयन, एसीटाल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास में CH3 CH2OH यानी कि
एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आपके पास में यदि हम कीटोन लें, दूसरा के पास में एसीटोन लें, आर सी डबल बॉन्ड आर, और इसका अपचयन हम वही लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करें, लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, और आपके पास में आर सी ओ एच सी एच आर, यानी कि आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि हम एसीटोन लें, तीसरा आपके पास में है, चौथा आपके पास में है, इसमें एसीटोन हो, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, और इसका अपचयन करने पर वह आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका अपचयन करते हैं, तो आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल भी कह दो, यानी सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री, यानी कि आपके पास में प्रोपेन 2-ol का फॉर्मेशन होता है, प्रोपेन 2-ol का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में किया जाता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। और यदि आपके पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपके पास में 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। आपके पास में जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको छोड़ के आपके पास में बाकी सभी आपके पास में एसिड एल्डिहाइड है, प्रोपाइल एल्डिहाइड है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड है, उन सभी का अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे बनता है। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड का अपचयन हमने किया, तो आपके पास में एथेनॉल बन गया है, तो आपके पास में 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, दूसरा के पास में हमने कीटोन लिया, कीटोन का अपचयन करेंगे, तो कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है। और आपके पास में हमने एसीटोन लिया, एसीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे, तो आपके पास में प्रोपेन 2-ol बनता है। ठीक है, इसको नोट करो आप। नेक्स्ट इस में देखो, यदि आपके पास में साइक्लोहेक्सेनोन हो, साइक्लोहेक्सेनोन साइक्लोहेक्सेनोन का अपचयन वही आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हैं, तो आपके पास में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनोल का फॉर्मेशन होता है, यानी वही आपके पास में कीटोन है, और आपके पास में वही आपके पास में यहाँ भी आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ भी बनता है। ठीक है, ये आपके पास में कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपके पास में है तीसरा है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव है उनका भी हम रिडक्शन करते हैं, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ भी आपके पास में वो आपके पास में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, तीसरा आपके पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव,
कार्बोक्सिल अम्ल में उसके व्युत्पन्नों से, यहां पे हम लगा लेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्ल एवं उसके व्युत्पन्न से, और इसके व्युत्पन्न की बात करें तो आपके पास में एमाइड है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एस्टर है, उन सभी से आपके पास में क्या होगा, वो आपके पास में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसके व्युत्पन्न जैसे एसिटिल क्लोराइड एमाइड एस्टर और एसिटिक एनहाइड्राइड इत्यादि का अपचयन इत्यादि का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की उपस्थिति में किया जाता है, ईथर की उपस्थिति में किया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसके व्युत्पन्न है, उनका यदि हम अपचयन करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एसिडी लेते हैं, पहली रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में आपके पास में रिएक्शन हो तो क्या होगा, एक जल के अणु के निष्कासन होगा यहाँ पे, और एक एच यहाँ ये आपके पास में जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा, और जल के अणु के बाहर निकलने से आर सी एस टू ओ एच प्लस एच टू ओ यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अपचयन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। यदि आपके पास में एसिटिक अम्ल हो और एसिटिक अम्ल का हम अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में आपके पास में रिएक्शन हो तो आपके पास में CH3 CH2 OH और एक अणु के पास में जल का यानी कि पास में एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व ईथर की प्रेजेंस में किया जाता है तो आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में हो एस्टर, ये आपके पास में क्या हो, दूसरा हो एस्टर से, फ्रॉम एस्टर, एस्टर के साथ में रिएक्शन हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और इसका अपचयन हम वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में कर दें तो आपके पास में क्या होगा, देखो एक बॉन्ड तो आपके पास में ये वाला ब्रेक होगा H H H H तो आपके पास में CH3OH
CH3OH के आपके पास में दो अणु प्राप्त होंगे, यानी कि दो अणु आपके पास में CH3OH के दो अणु प्राप्त होते हैं, यानी आपके पास में मेथेनॉल के दो अणु प्राप्त होंगे। एक आपके पास में एक CH3OH बनेगा, ये तो आपके पास में CH3OH बाहर निकल जाएगा, और साथ में आपके CH2OH यानी मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एस्टर का यदि आप ऑप्शन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास में वही आपके पास में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ में आपके पास में हो एमाइड, तीसरा आपके पास में है फ्रॉम एमाइड के ऑप्शन से, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के अपचयन की बात करें आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, और इसका भी अपचयन हम वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ से अमोनिया गैस क्या होगी बाहर निकलेगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा H H H H, तो आपके पास में RCH2OH प्लस NH3 यहाँ पे गैस क्या होगी मुक्त होगी, और वही आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। यदि आपके पास में एसिटामाइड हो CH3C डबल बॉन्ड ONH2, एसिटामाइड का हम अपचयन करेंगे, एसिटामाइड के अपचयन से भी आपके पास में वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसका हम रिडक्शन करते हैं तो आपके पास में क्या होगा CH3CH2OH प्लस NH3, यानी आपके पास में एथेनॉल का निर्माण होता है। क्या बनता है आपके पास में एथेनॉल, ठीक है, यानी कि हमने आपके पास में तीन चीज़ें हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, यानी आपके पास में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, आपके पास में हमने एसिटिक अम्ल लिया तो आपके पास में एथेनॉल बन गया है, हमने एमाइड लिया तो आपके पास में मेथेनॉल और एथेनॉल, आपके पास वो एस्टर लेते हैं एसिटिक वो एस्टर लेते हैं तो आपके पास में वही मेथेनॉल एथेनॉल बन रहा है, और आपके पास में यदि हम एमाइड लेते हैं तो आपके पास में अमोनिया गैस के निष्कासन से आपके पास में क्या होगा, वही आपके पास में एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इनको नोट करो हम, नेक्स्ट है वो आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड, इसमें नेक्स्ट है फोर्थ एसिटिक एनहाइड्राइड से, फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड के अपचयन से, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड लिए हम, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का अपचयन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में किया जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में किया जाता है, लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आपके पास में ईथर की प्रेजेंस में किया जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे आपके पास में देखो एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और सी एस थ्री, सी एस टू और इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और ये आपके पास में जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा, एक अणु जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा सी एस थ्री, सी एस टू और ओ एच और यहाँ पे आपके पास में सी एस थ्री, सी एस टू, ओ एच, सी एस थ्री, सी एस टू, ओ एच हो गया, ये जल का अणु बाहर निकल गया और यहाँ आपके पास में सी एस थ्री, सी एस टू, ओ एच, सी एस थ्री, सी एस टू, ओ एच के दो अणु में प्राप्त होते हैं और सातवें आपके पास में जल का अणु बाहर निकलता है। ठीक है, इसको नोट करो। एसिटिक एनहाइड्राइड का, एसिटिक एनहाइड्राइड का अपचयन, एसिटिक एनहाइड्राइड का अपचयन, अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में किया जाता है, किया जाता है तो जल के अणु के निष्कासन से, जल के अणु के निष्कासन से, जल के अणु के निष्कासन से दो अणु, दो अणु एथेनॉल का निर्माण, दो अणु एथेनॉल का निर्माण होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में किया जाता है तो जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में दो अणु एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपके पास में फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड के अपचयन से, तो आपके पास में एसिटिल क्लोराइड का हम अपचयन करेंगे सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और इसका हम अपचयन करते हैं प्लस फोर एच, वही आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में करें तो आपके पास में इस बॉन्ड के ब्रेक होने से एच 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 सी एस थ्री, सी एस टू ओ एच, सी एस थ्री, सी एस टू ओ एच प्लस एस सी एल, वो आपके पास में एथेनॉल का निर्माण होगा। ठीक है, इनको नोट करो आप, ये आपके पास में इसके डेरिवेटिव हो गए हैं कंप्लीट। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके जो डेरिवेटिव हैं, जैसे आपके पास में एमाइड है, एसिटिल क्लोराइड है, एस्टर है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, उन सभी के अपचयन से हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे के पास में है, आपके पास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एल्डिहाइड व कीटोन से करते हैं तो आपके पास में एल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। जिसमें आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा और एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो आपके पास में तीनों को हम बनाते हैं,
नेक्स्ट आपके पास में है ग्रीनयार अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रीनयार अभिकर्मक की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड और कीटोन से करेंगे तो क्या होगा देखो, पहला है, नेक्स्ट आपके पास में अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया है फ्रॉम ग्रीनयार्ड रिएजेंट, ग्रीनयार अभिकर्मक से यानी आपके पास में आरएमजीएक्स से, ठीक है। और पहला के पास में है रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन बिटवीन एच सी एच ओ एंड आर एम जी एक्स, ठीक है। तो के पास में फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया एच सी एच ओ की अभिक्रिया आर एम जी एक्स के साथ, आर एम जी एक्स के साथ की जाती है, आर एम जी एक्स के साथ की जाती है तो योगात्मक उत्पाद का निर्माण होता है, योगात्मक उत्पाद का निर्माण होता है, योगात्मक उत्पाद का निर्माण होता है जल अपघटन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। CH3MgBr प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये आपके पास में ग्रीनयार अभिकर्मक है और ग्रीनयार अभिकर्मक में आपके पास में ये आपके पास में आंशिक नेगेटिव है, ये आंशिक पॉजिटिव है, ये आपके पास में पॉजिटिव, ये आपके पास में नेगेटिव है। ये आपके पास में सी एस थ्री यहाँ से आपके पास में इस पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो सी एस थ्री, ये आपके पास में सी एस सी एच है तो क्या बनेगा आपके पास में आर ओ सी एस थ्री सी एस टू, ये सी एस थ्री, ये कार्बन, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है और आपके पास में ये ओ, इस ओ के साथ में आपके पास में एम जी एक्स ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास में नेगेटिव है, ये आपके पास में पॉजिटिव है, इसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, इसका आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो आपके पास में एच ओ एच, ये आपके पास में पॉजिटिव, ये आपके पास में नेगेटिव, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में क्या होगा, इस अणु के निष्कासन से CH3 CH2 OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल कह दो या आपके पास में एथेनॉल कह दो का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम RMGX के साथ में करते हैं तो आपके पास में योगात्मक उत्पाद बनता है, उस योगात्मक उत्पाद का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है और 1 डिग्री अल्कोहल के पास में CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें एसिटेल्डिहाइड से हमें बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल और हम कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है।
दूसरा रिएक्शन आपके पास में है एसिटाइलडिहाइड या रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन बिटवीन एसिटाइलडिहाइड, एसिटाइलडिहाइड यानी CH3CHO एंड RMGX कह दो, ये आपके पास में CH3MGBr कर देते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, CH3MGBr इसमें आपके पास में ये वाली स्पीसीज नेगेटिव होती है, ये वाली स्पीसीज आपके पास में क्या है पॉजिटिव है। इसकी अभी के लिए हम किससे कर दें, एसिटाइलडिहाइड से कर दें, ठीक है। और एसिटाइलडिहाइड में ये वाली स्पीसीज आपके पास में पॉजिटिव, ये आपके पास में नेगेटिव, एसिटाइलडिहाइड, ठीक है। ये आपके पास में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे अटैक करें, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हों तो क्या होगा, CH3 ऊपर आपके पास में CH3, ये H और आपके पास में OMGX जिसको हम कह सकते हैं योगात्मक उत्पाद, इसको हम योगात्मक उत्पाद कह दो या एडक्ट कह दो, योगात्मक उत्पाद। इसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, इसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं HOH, ये आपके पास में पॉजिटिव, ये आपके पास में नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और आपके पास में MgxOH के निष्कासन से CH3 HOH यानी 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। किससे, ग्रिग्नार अभिक्रमक की अभिक्रिया किससे कर देंगे, एसिटाइलडिहाइड से करते हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। ऐसे आपके पास में देखो रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड CH3MgBr, ठीक है। इसके साथ में रिएक्शन और कर देते हैं CH3MgBr, वो आपके पास में ये वाले स्पेसिज नेगेटिव, ये आपके पास में पॉजिटिव, इसकी अभिक्रिया किससे कर देंगे, एसीटोन से कर देंगे, सी डबल बॉन्ड और CH3 से करेंगे, ये आपके पास में पॉजिटिव, ये आपके पास में नेगेटिव है और यहाँ से आपके पास में CH3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे अटैक करें, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये आपके पास में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब नया आपके पास जुड़ रहा है उसको मैं रेड पेन से लिख दूंगा, CH3 और नीचे आपके पास में OMGX, ठीक है। इसका भी आप क्या कर देंगे, वही जल अपघटन कर देंगे, H3O+ अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देंगे, ये भी आपके पास में वही एडक्ट है, योगात्मक उत्पाद है, HOH पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है और पॉजिटिव यहाँ से ब्रेक होने पर या के पास में 3 डिग्री एल्कोहल कह दो, 3 डिग्री एल्कोहल या इसका हम IPAC नेम लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसको नोट करो आप,
यदि आपके पास में कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक में आपके पास में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास में होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड उपास में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में की जाती है, जो आपके पास में योगात्मक उत्पाद बनता है, उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने लिया दूसरा के पास में एसीटेल्डिहाइड लिया है। एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में की जाती है, एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में की जाती है, जो योगात्मक उत्पाद बनता है उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर, ये वाली रिएक्शन है जिसमें 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आपके पास में 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में करते हैं, तो आपके पास में जो योगात्मक उत्पाद बनता है उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में MgxOH के निष्कासन से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, जिसका IUPAC नेम हम लिखें 2-methyl-propane-2-ol। इस प्रकार हमने यहाँ पे आपके पास में 3 विधियाँ हैं जिनके द्वारा हमने, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या आपके पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हमने फॉर्मेशन किया है। पहला आपके पास में जलीय KOH के साथ में रिएक्शन थी, सॉरी आपके पास में 4 हो गई हैं। दूसरी आपके पास में रिएक्शन थी जो आपके पास में कार्बोक्सिल एसिड और उसके जो डेरिवेटिव हैं उनका हमने रिडक्शन किया। तीसरी में आपके पास में कार्बोक्सिल जो आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है उनके रिडक्शन से, यानी फॉर्मेल्डिहाइड एसीटेल्डिहाइड के रिडक्शन से भी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री आपके पास में अल्कोहल बनाया है। उसके बाद में फिर आपके पास में चौथा के पास में है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से भी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया है, ठीक है। अब आगे आपके पास में जो भी नेक्स्ट आपके पास में बनाने की विधियाँ हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।